धनबाद में दिल्ली में साक्षी की बर्बरता पूर्वक हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान वी वांट जस्टिस और लड़कियों पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारों के साथ एसएसएलएनटी महिला विद्यालय से रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की गई। एनएसयूआई के छात्र नेता गोपाल चौधरी ने बताया कि आज समाज में बेटियाँ कहीं सुरक्षित नहीं है, बीच चौराहे पर बर्बरता से उनकी हत्या हो रही है। इस प्रकार की घटना करने से पहले कोई सोचना चाहिए। बल्कि वो बताते हैं आज समाज में स्थिति ऐसी हो गई है कि बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। घर के बाहर बेटी निकलती है, उस बच्ची की क्या गलती है, 16 साल की बच्ची थी वो, उनको बीच चौराहे पे मार दिया जा रहा है, सड़क पे मारा जा रहा है, इतना बड़ा चाकू से गोता गया, वहाँ पे पत्थर मारा गया, सिर कुचला गया, लेकिन एक भी व्यक्ति वहाँ पे रुका नहीं। क्यों? वो बेटी हिंदुस्तान की नहीं थी क्या? देखिए, बेटी हमेशा समाज की होती है, बेटी किसी के भी आपके घर की हो, मेरे घर के समाज की बेटी होती है। रास्ते में उसका हत्या किया गया, निर्मम हत्या किया गया चाकू से गोद के, किसी ने भी उसका मदद करने का जहमत नहीं उठाई। उसके बाद उस हत्यारे को आप देखिए, वो हत्यारे वहाँ से भाग भी जाता है। आप ये बताइए, हत्या करके उतना देर, 10 मिनट का वीडियो है वो, आप देखिए 10 मिनट में हत्या कर रहा है, उसका भाग जाता है, कोई पब्लिक पकड़ा नहीं उसको, गिरफ्तार कर रही है उसको। आप ये बताइए, समाज में बेटियां कहां सुरक्षित है? आज हम लोग मांग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हम लोग को रोड पे आना पड़ गया, कि बेटियां खतरे में हैं। अरे बेटियां खतरे में हैं तो हम लोग को चाहिए कि बेटी के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। और हम मांग करते हैं दोषी को सजा दिया जाए, इस पर मिसाल कायम किया जाए कि दोबारा कभी भी कोई बेटी से दुराचार और इस प्रकार का बदमाशी करने से पहले सोचे कि बेटी समाज की होती है, करेंगे तो समाज मिलकर बेटी। अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड और राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स बरियातू ने 2 जून 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सहयोगात्मक शिक्षा कार्यक्रम, क्षमता निर्माण और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। वर्तमान परिदृश्य में सहयोग सभी आयामों में संस्थान के आपसी विकास के लिए संभावित मार्ग है। इसमें क्षमता निर्माण और आजीवन सीखने, अकादमिक उत्कृष्टता और इसके विकास, अत्याधुनिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है और झारखंड राज्य की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करना शामिल है। अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड और राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो अपराधियों ने एक बैंक से पैसा निकालकर दूसरे बैंक में जमा करने जा रहे मोहम्मद महमूद नाम के व्यक्ति से 3.5 लाख रुपए लूट लिए। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद जब अपराधी मौके से फरार हो रहे थे तो कुछ ही दूरी पर उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद दोनों अपराधी बाइक छोड़ पैदल ही फरार हो गए। लूट की इस वारदात को लोअर बाजार थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा और कश्मीर वस्त्रालय के बीच भीड़भाड़ वाले इलाके में अंजाम दिया गया। मौके से पुलिस ने अपराधियों की बाइक को जब्त किया है। सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों के भागने की तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरे साथ हुआ क्या ना कि जिसे मैं कैश निकालने के लिए HDFC बैंक मेन ब्रांच जा रहा था, वहाँ से मैं 3.5 लाख रुपया लेकर के अपने भाई के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में उस पेमेंट को जमा करने के लिए निकला। मैं हनुमान मंदिर के पास हीरा पन्ना ज्वेलर्स के पास पहुँचा, यू टर्न लिया वहाँ से और हीरा पन्ना ज्वेलर्स के पास पहुँचा, जहाँ पर अचानक दो व्यक्ति पल्सर बाइक में आए और मेरे बाइक को झपट्टा मारा, जो कि मैं अपनी गर्दन में टांग करके था उसे झपट्टा मारा, मैं अपनी गाड़ी का संतुलन खो बैठा, जिससे मैं अपनी गाड़ी के नीचे गिर गया और वो लोग बाइक को ले करके रतन टाकिस की तरफ भाग गए। मैं वहाँ पर मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई, जिसके कारण मैं उसका पीछा भी नहीं कर पाया और उसके बाद मेरे शरीर में भी कुछ चोटें आई हैं जो कि आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह फिर मैं उठ करके और कुछ समझ पाता, उतना देर में कुछ लोग भीड़ लगा दिए और फिर बोले कि क्या हुआ, ऐसा तो बात हुआ तो लोग बताएं, कुछ लोग वहाँ से आकर के कि भाई लगता है रतन टाकिस के पास भी कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कहीं वही लोग भाग रहे होंगे तो उसी कारण हुआ हो। तो मैं फिर वहाँ गया रतन टाकिस में, पता किया तो पता चला कि वो लोग ही थे जो कि लूट करके भाग रहे थे और किसी स्कूटी में वहाँ पर जाल मारे, जिसके कारण वो लोग गिर गए और एक एकरम अजीत की तरफ भागा और एक उनका लूट की तरफ भागा।